प्रदेश के बिजनौर में पुलिस और कुख्यात 2.5 लाख के फरार इनामी बदमाश आदित्य राणा के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। कई जिलों की पुलिस ATS सहित तमाम खुफिया तंत्र फरार आदित्य बदमाश की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। बिजनौर के थाना सिहोरा के राणा नगला गांव का रहने वाला कुख्यात बदमाश आदित्य राणा पिछले काफी समय से पुलिस और खुफिया तंत्र के लिए सिरदर्द बना हुआ था। ये बदमाश कई जिलों की पुलिस ATS समेत खुफिया तंत्र की पकड़ से कोसों दूर चल रहा था, लेकिन मंगलवार रात को बिजनौर पुलिस को आदित्य बदमाश की बिजनौर के थाना सिहोरा के बूढ़नपुर के जंगलों में लोकेशन मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और बदमाश की घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही आदित्य ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। इस मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां आदित्य राणा की मौत हो गई। आदित्य राणा के अपराध के इतिहास की अगर बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस पर अलग अलग थानों में लूट, डकैती, हत्या जैसे 43 संगीन धाराओं में केस दर्ज है। आदित्य राणा 2 बार साल 2017 और 2022 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। 23 अगस्त 2022 को लखनऊ जेल से बिजनौर कोर्ट पेशी के बाद वापसी में ये शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तभी से पुलिस जंगलों में इसके ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली ही रह जाते थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश आदित्य पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके गैंग में 48 सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा इन्हें चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, जबकि अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। उनके गिरफ्तारी के लिए निरंतर कॉम्बिंग ऑपरेशन बिजनौर पुलिस द्वारा किया जा रहा, हमारी टीम लगी हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हम करेंगे। इस संबंध में समस्त वैधानिक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा की जा रही है।